दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं मैनक्यू का सेकंड प्रिंसिपल दैट इज द कॉस्ट इज ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट आई रिपीट द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट वो एक सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है लेकिन ये प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल बहुत ही आसान थियरी है लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे जिससे हमें मैनक्यू का सेकेंड प्रिंसिपल अच्छी तरह से याद रह जाए इमेजिन के आप एक एमबीए के स्टूडेंट हैं और आपकी सालाना फीस है 2 लाख रुपीज और इससे पहले आप कहीं पे जॉब करते थे जहां पे आपकी इनकम थी ईयरली इनकम थी 6 लाख रुपीज सो यहां पे जब आप एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो 6 लाख रुपीज की जॉब जो आपने छोड़ दी है वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दो और चीजें ऐड होती है एक तो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट उसके बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे लेकिन अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जब आप किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं तब आप किसी और दूसरे एक अल्टरनेटिव को लीव करते हैं तो जो कॉस्ट आपको भरपाई करनी होती है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल So that is known as opportunity cost, but इस principle को Mankiw ने अपने second principle में दर्शाया है, जिसको बोलते हैं the cost of something is what you give up to get it. So in my example, what did you give up? Job, 6 लाख रुपीस वाली. And what did you get? You are going to get MBA degree. So this 6 lakhs rupees which you give up is your opportunity cost.